आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ डिलीशियस मजेदार कुकीज जो मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। तो आज मैं बनाऊंगी नट्स और पॉपी सीड से मजेदार कुकीज। मजेदार तो बहुत ज्यादा होने वाली है, तो चलें जी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। मज़ेदार कुकी की यहाँ पे हम डो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हाफ प्याले के करीब मैंने दही लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे एक अंडा। इसको बहुत अच्छे से हम दही में जो है वो मिक्स कर लेते हैं। 1.5 कप के करीब यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और इसको भी बहुत अच्छे से हम मैदे में जो है वो मिक्स कर लेते हैं। 100 ग्राम के करीब यहाँ पे मेरे पास बटर है, तो अभी इसमें से हाफ बटर जो है वो मैं इसमें शामिल करती हूँ और हाथ की मदद से इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। दही और अंडे का जो मिक्सचर है वो भी थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते जाएंगे और इससे जो है वो एक सॉफ्ट डो जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे दही डालने से डो जो है कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। अभी थोड़ा थोड़ा बटर जो है वो मज़ीद हम इसमें और शामिल करते जाएंगे और डो को जो है वो इसी तरह घूमते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, डो बहुत अच्छी जो है वो सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छी सॉफ्ट डो तैयार हुई है और अभी हम इसको कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो गए हैं डो को तैयार करके रखे हुए, तो अभी यहाँ पे डो को जो है वो हम फ्लैट जो है वो बेल लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे डो को इस तरह से मैंने फैला दिया है। अभी यहाँ पे मैंने अंडे की सफ़ेदी ली है वो इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। जर्दी अलग कर ली है, अंडे की सफ़ेदी को हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अभी यहाँ पे मेरे पास शुगर पाउडर है, तो वो इस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो फैला के डाल देंगे। तो ये 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम शुगर पाउडर जो है वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। चीनी को हमने इसके ऊपर फैला के डाल दिया है। अभी यहाँ पे मेरे पास कोका पाउडर है, वो इस तरह से हल्का हल्का जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। अगर कोका पाउडर नहीं तो कोई भी चॉकलेट जो है वो बारीक पीस के इसके ऊपर इस तरह से जो है वो छिड़की जा सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास पॉपी सीड्स हैं, तो इसको भी हम 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो इसके ऊपर इस तरह से हम छिड़क देते हैं। पॉपी सीड्स भी जो है वो 2 तरह से पाए जाते हैं, ब्लैक में और ये वाइट में। तो जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास अखरोट है, उसको मैंने बारीक जो है वो पीस लिया है, वो इसके ऊपर इस तरह से जो है वो फैला के इसको भी डाल देते हैं। पीनट, और यहाँ पे मैंने 2 रंग की किशमिश ली है, तो ये भी इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस जो है वो हमारी कुकीज़ जो है वो तैयार होने वाली हैं। अभी इसको यहाँ से हम इस तरह से रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह से हमने इसको रोल कर लिया है और अभी इसको हल्का हल्का सा हम इस तरह से फ्लैट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे किसी भी नाइफ से, किसी कटर से जो है वो हम इसके पीस जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी कुकीज़ की हमने कटिंग कर ली है, अभी इसके ऊपर हम अंडे की जर्दी जो है वो इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे किसी भी टूथपिक के साथ या फोक के साथ जो है वो हम इसके ऊपर इस तरह से हल्की हल्की जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइन बना देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ कुकीज़ जो हैं वो तैयार होंगी। तो अभी हम इनको बेकिंग ट्रे में जो है वो सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, तो उसके बाद फिर हम इसको बेक करते हैं 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट तक।
फ्रेंड्स, नट से और पॉपी सीड से मजेदार कुकीज जो हैं वो बनकर तैयार हैं। और अगर ये मुझे पसंद है तो डेफिनेट ये आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आप भी बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक और मजेदार रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।